यूपी के सहारनपुर में प्रतिबंध के बावजूद पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है और जिसको लेकर नगर निगम टीम ने कई जगह पर छापेमारी की है और इस दौरान कई दुकानों में भारी मात्रा में पॉलिथीन बरामद की गई है। इसके बाद आपको बता दें कि इसी के साथ ही कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया और इस दौरान निगम की टीम ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा से पॉलिथीन का इस्तेमाल किया गया तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यूपी के सहारनपुर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि पॉलिथीन का प्रयोग करने पर जुर्माना लगा हुआ है और ऐसे में प्रतिबंध लगने के बावजूद भी पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नगर निगम की टीम दुकानों पर छापेमारी कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन कौन से दुकानदार जो है पॉलिथीन इस वक्त भी प्रतिबंध लगने के बाद भी जो है पॉलिथीन का प्रयोग कर रहे हैं। कई दुकानों पर आपको बता दें कि पॉलिथीन का प्रयोग करने पर कई दुकानों पर जुर्माना भी लगा है। अभी हमने दिल्ली रोड पे शुरू किया है और आज से एक अभियान शुरू किया है, पॉलीथीन जब्तीकरण अभियान। नगरायुक्त मैडम और सहायक नगरायुक्त के आदेश अनुसार अब हर दिन कहीं ना कहीं अभियान चलाया जाना है। सभी लोगों दुकानदारों को सूचित किया जाता है, मतलब चेतावनी दी जाती है कि कोई भी पॉलीथीन में रखे सामान ना दे और सभी शहरवासियों से आग्रह किया जाता है कि अगर वो अपना सामान लेना चाहते हो अपने सामान के लिए थैला लेके जाएँ। ये पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है। इसी मैसेज के साथ और इसी चेतावनी के साथ अभियान शुरू किया गया है। जब तक शहर में पॉलीथीन ख़त्म नहीं हो जाती अभियान चलता रहेगा।